जय श्री मित्रों, आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग पे स्वागत है। और ये ब्लॉग आप सभी तक पहुंचाने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। आप सभी को मकर संक्रांति और उत्तरायण का शुभकामना। आज के दिन पूरे भारत वर्ष में मकर संक्रांति तो है, और हर राज्य पे अपना अपना त्योहार की एक अलग ही आयोजन है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे भारत मानचित्र पे, मैं गुजरात से हूँ और उत्तरायण नाम से त्योहार मनाते हैं। नया कपड़ा पहनकर मंदिर जाके भगवान का दर्शन और पूजा करते हैं, फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लग जाते हैं पूरे दिन भर। पहले ऐसे खाली वाला लिया एक फिरकी और एक बंडल सादा डोरी, फिर ये रंग भरा हुआ केमिकल से ये सादा डोरी को घिसना हो गया चालू। पूरे 12 घंटा सूखने छोड़ दिया ये डोरी, सुबह हो गया ये तैयार मेरा फिरकी और पतंग। पतंग उड़ाने में आ गया छात पे, बहुत ही खुशी से पहले लिया कुछ अलग अंदाज से फोटो, और दोस्तों के साथ और मेरा छोटा भाई के साथ भी ले लिया कुछ फोटो। ये है अपना हेलमेट, क्या बोला तूने? अरे भाई, जैसे बाइक चलाने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है, ऐसे ही पतंग उड़ाने से पहले ये सेफ्टी पति का जरूरत है, ताकि अपना उंगली सुरक्षित रहे। पतंग को कर लिया मैं तैयार, बांध लिया पतंग पे डोरी, थोड़ा माथे पे घिस लिया बैंड करके ताकि सही से उड़ सके। दही भाई को फिरकी पकड़ा के मैं उड़ाया पतंग, मैं कुछ पतंग काटा और मेरा भी कुछ कट गया पतंग। और धूप भी बहुत तेज से हो रहा था और खाना खाने का टाइम भी हो गया था, इसलिए हम चले गए अपने अपने घर। तो फिर हम आ गए वापस शाम के 3:30 बजे, 15 पतंग लेके। इस खुशी से कर लिया थोड़ा सा डांस, फिर छोटू और भांजी के साथ खींचा कुछ फोटो। शाम के समय का पतंग उड़ाना कुछ अलग ही मजा है भाई, ठंडी के आगे वक्त पतंग उड़ा के 4 से 5 पतंग काट लिया था मैं दूसरा था, और मेरा भी सब पतंग हो गया था खत्म, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी उड़ा रहा था। और ये था मेरा आखिरी पतंग, कुछ वक्त बाद लो ये भी कट गया। देखो भाई, पतंग उड़ाने से पहले ये जो लगाया था सेफ्टी पट्टी का क्या हाल है, ऐसे ही इस डोरी से जान भी चला जाता है। इसलिए आप सभी को मेरा निवेदन है कि उत्तरायण के समय पे आप अपना बाइक पे ऐसा एक रॉड लगा दीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह पाओगे। आखिरी पे लिया एक अक्षयपाजी के जैसा फोटो। ये था मेरा उत्तरायण दिन का अनुभव, और आप सभी का उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का दिन कैसा गया, और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट पर बताएं। ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो पे। बोलो जय श्री राम।